ग्रहण का मध्यकाल जो है 5:30 रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय अनेकों सावधानियों को बरतना चाहिए, जहां और सूर्य ग्रहण का जो रोगियों को और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर या बाल या वृद्ध व्यक्तियों को छोड़कर इस ग्रहण के सूतक काल में खान पान वर्जित है। इस ग्रहण का सूतक सूर्योदय से 2:30 से पहले प्रारंभ हो चुका है और ये मोक्ष काल तक रहेगा। तो ऐसे में जो है खान पान नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और गर्भिणी स्त्रियों को धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना अग्नि से भी दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि बालक जो है विकलांग पैदा होता है या कोई ना कोई उनका अंग भंग हो जाता है। वहीं खान पान की दृष्टि से भी इस समय जो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि खाने पीने की चीजों के अंदर कुशा अथवा तुलसी के पत्र को रख देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सूर्य की किरणें विकीर्ण होती हैं वो मानव शरीर पर भी और भोजन की जो सामग्री पर भी दुष्प्रभाव डालती है। तो इसलिए जो है इन सावधानों को बरतना विशेष आवश्यक है। एक और जहां ये ग्रहण को जो अशुभ माना जाता है वहीं कुछ राशि वालों के लिए शुभ फलकारक भी होता है। यह ग्रहण जो है तुला राशि पर और स्वाति नक्षत्र पर पड़ रहा है, इसलिए तुला राशि के जातकों पर और स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। उनको स्वास्थ्य की चिंता में थोड़ी स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे में उनको सावधानी बरतते हुए इस ग्रहण काल के अंदर महामृत्युंजय अथवा सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य लाभ होगा और उनके धन की अभिवृद्धि होगी। वहीं कर्क राशि वालों, सिंह राशि वालों और धनु राशि वालों के लिए ग्रहण जो है शुभ फलप्रद है, उनको धन धान्य और स्वास्थ्य में लाभ होगा और बाकी अन्य राशि वालों को ये धन लाभ, धन हानि और स्वास्थ्य की चिंता पैदा करेगा।